नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है एमई 208, सेकेंड ईयर में जो थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन जो सब्जेक्ट है हमारा एमई 208, उसके अंदर जो पहला हम इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है और थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि हीट और वर्क और इंटरनल एनर्जी, इनका आपस में जो रिलेशन होता है उसको स्टडी करना, या फिर यू कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो पर्पज है वो कि थर्मल जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम, यानी किसी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होती है उसका यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं और कितने अच्छे से कर सकते हैं, ये सारा का सारा एनालिसिस जो है हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए जो बेसिक पैरामीटर होता है वो होता है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। यानी जब भी थर्मोडायनेमिक एनालिसिस हम करेंगे तो सबसे पहले हमें एक सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो ओवल शेप, जो शेप है, ये ओवल शेप है, ये हम सिस्टम लिखा हुआ, तो सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा स्पेस या रीजन या सब्सटेंस, कोई एनक्लोज्ड सब्सटेंस या कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर थर्मल एनालिसिस या थर्मोडायनेमिक एनालिसिस हम कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम को अगर एक बार हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो सिस्टम के बाहर जितना भी चीजें होती है, यानी एवरीथिंग आउट ऑफ द सिस्टम, वो सराउंडिंग कहलाएगी। ये हमारा सिस्टम है, इसके बाहर जो कुछ भी होगा, इस सिस्टम के बाहर जो पूरा यूनिवर्स होगा वो इस सिस्टम के लिए सराउंडिंग कहलाएगी। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का या सब्सटेंस या मास या मैटर का इंटरेक्शन पॉसिबल है। यानी सिस्टम से अगर एनर्जी निकलेगी तो वो डेफिनेटली सराउंडिंग में ही जाएगी और सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी। सेम चीज हम सब्सटेंस या मैटर पे भी कर सकते हैं कि मास सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में जाएगा, अगर सिस्टम के अंदर आएगा तो सराउंडिंग से ही आएगा। यानी जो इंटरेक्शन होगा एनर्जी का, चाहे वो मैकेनिकल, चाहे वो वर्क फॉर्म में इंटरेक्शन हो, चाहे हीट फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्मेट में जो इंटरेक्शन होगा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही होगा। तीसरी जो चीज आती है इंपॉर्टेंट अल्फाबेट इसका आता है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब वो पेरिफेरी या वो एनवलॉप जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को डिफर करता है, सेपरेट करता है। यहाँ देखिए, ये जो येलो डॉटेड जो लाइन है, ये जो एनक्लोजर है, ये कहलाएगा बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री। बाउंड्री एक ऐसी चीज है, ऐसी लाइन है, ऐसा सेपरेशन है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करता है। तो तीन, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है सिस्टम, और सिस्टम जब हम डिफाइन करते हैं तो उसकी एक बाउंड्री डिफाइन होती है और बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी होता है वो सराउंडिंग होता है। तो कोई भी थर्मल एनालिसिस, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हमें सिस्टम को डिफाइन करना होता है। अब सिस्टम जो होता है उसके अंदर इंटरेक्शन, चाहे मास का हो चाहे एनर्जी का हो, वो किस तरीके से हो रहा है, उस बेसिस पे सिस्टम को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तीन टाइप के सिस्टम है हमारे पास, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां देखिए, आप देखिए कि मास और एनर्जी अंदर आएगी और मास और एनर्जी बाहर जाएगी, ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है। अब इसमें से क्या चीज का इंटरेक्शन हो रहा है, किस चीज का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, उस बेसिस पे हमें सिस्टम के क्लासिफिकेशन है। तो आप देखिए, ये जो डायग्राम है हमारे पास, सबसे पहला देखिए ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब हीट इंटरेक्शन भी पॉसिबल है और मैटर यानी मास इंटरेक्शन भी पॉसिबल है। यानी ये पूरा ओपन सिस्टम है जिसके अंदर हीट भी आ सकती है या जा सकती है और सब्सटेंस या मैटर या मास भी
आ सकता है या जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो कोई भी टर्बाइन, बहुत सारे ओपन सिस्टम हमारे पास है, पंप है, कंप्रेशर है, टर्बाइन है, जिसके अंदर एयर, पानी, लिक्विड, गैस ये अंदर आती है और बाहर जाती है, यानी मटेरियल का इंटरेक्शन है साथ है, और उसके साथ जो एनर्जी आती है, काइनेटिक या प्रेशर एनर्जी, जो भी जितनी भी टाइप की जो एनर्जी आती है वो भी इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो जितने भी पंप है, जितने भी हमारे कंप्रेशर है, टर्बाइन है, बॉयलर्स है, ये सारे ओपन सिस्टम के तौर पर माने जाते हैं। फिर आता है हमारा क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम की जो डेफिनेशन है कि इसके अंदर हीट का इंटरेक्शन तो पॉसिबल है, हीट अंदर आ सकती है और जा सकती है, लेकिन सब्सटेंस या मास का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। मास अंदर आ भी सकता है, मास न तो अंदर आ सकता है न जा सकता है। एक बार जो ट्रैप हो गया सब्सटेंस वही रहेगा, लेकिन हीट या एनर्जी अंदर आया जा सकती है। तो इस तरीके के जो सिस्टम है होता है, जैसे सिरिंज हो गई, इंजेक्शन की सिरिंज हो गई, जब उसको हम बंद कर देते हैं, या फिर आईसी इंजन का पिस्टन जिसको वाल्व क्लोज है उस टाइम पे वो क्लोज सिस्टम की तरह काम करता है, या फिर आप देखिए कोई बैलून या गुब्बारा है तो वो क्लोज सिस्टम की तरह काम करेगा, उसमें हीट अंदर आ सकती है जा सकती है, हम बल्ब कुछ पे कर सकते हैं या वो एक्सपांड हो सकता है, लेकिन अंदर जो एयर भरी है बैलून की वो चेंज नहीं होगी। तीसरे टाइप का जो सिस्टम है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कंप्लीटली वो आइसोलेटेड होता है, ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, ना तो एनर्जी अंदर आएगी ना एनर्जी बाहर जाएगी, ना मास अंदर आएगा ना मास बाहर जाएगा। आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है वो 100% आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है, और अप्रोक्सीमेटली जो 100% आइसोलेटेड सिस्टम अगर बोला जाए तो पूरा यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम माना जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं होता है। लेकिन जो हमारे कुछ चीजें होती है, जो इंसुलेटेड चीजें होती है, वो अप्रोक्सीमेटली या कुछ हद तक आइसोलेटेड सिस्टम को की तरह माना जा सकता है। जैसे कोई थर्मस है जिसके अंदर कॉफी या चाय भरी है तो वो लंबे टाइम तक गर्म रहती है, तो लंबे टाइम तक गर्म रहने का मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी इंटरेक्शन या मास एनर्जी मास इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आइसोलेटेड सिस्टम की तरह हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे तीन सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम अगेन देखिए, इसको एनर्जी अंदर आ सकती है, एनर्जी बाहर जा सकती है, मास बाहर अंदर आ सकता है, मास बाहर जा सकता है। ये था हमारा सिस्टम कितने टाइप के होते हैं उससे रिलेटेड एनालिसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।